नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आरजेएस का मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, आज ही हियरिंग हुई है, तो मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि पूजा करनी है, बाबा की बारस है खाटू श्याम जी की, हमारे जोत ली जाती है और दाल बाटी चूरमा का भोग लगता है बाबा के। और जो भी खाटू श्याम जी के सौमणी में गया होगा उनको पता होगा, या कभी प्रसाद खाया होगा सौमणि का जाके उनको पता, और जो राजस्थान से उनको पता होगा, तो बाबा की बारस है। उसके बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, 3-4 बजे करीब अपलोड हो जाएगा। और मैटर समझ लेते हैं, मैटर क्या है और आज हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भी होगा कि नहीं होगा या रिजेक्ट कर दी जाएगी पिटीशन, सारी चीज़ें। देखो बहुत सारे मैटर होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं फिर लिस्टिंग करानी पड़ती है, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। 16 तारीख से इंटरव्यू चालू हैं और इसी महीने 26 तारीख को इंटरव्यू ख़त्म भी हो जाएंगे और इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, और अगले महीने आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी चालू हो जाएंगे। जितना सुनने को मिल रहा है, अगले महीने से आपके पुलिस वेरिफिकेशन चालू हो जाएंगे और अगले महीने के बाद मेडिकल भी होने लग जाएगा। मेडिकल बोर्ड बैठता है आरजेएस में, उनका मेडिकल भी होता है और ट्रेनिंग भी इसी साल के अंत तक चालू हो जाएगी आपकी आरजेएस 2022 वाले बैच की, अगर सब कुछ सही रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया या कोई और मैटर नहीं आया, स्टे नहीं लगा, सारी चीज़ें रही। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसकी बात कर लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है राजस्थान सिविल जज कैडर 2024 एग्जाम के ऊपर, मेंस एग्जाम के ऊपर, और इसमें 96 स्टूडेंट ने रिट लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के अर्जेंट लिस्टिंग की बात कही गई है और इसमें यही बोला गया कि 16 तारीख से इंटरव्यू चालू होने वाले हैं, और इसमें यह भी कहा है कि 0 से 15 नंबर मिले हैं लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश में, और जो बच्चे इसके कारण बच्चे फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाए। और इसमें यह भी बताया गया है कि 3000 करीब बच्चों ने मेंस दिया है, हालांकि 3000 से ऊपर ही है, 3700-800 करीब बच्चों ने मेंस दिया है। और इसमें यह बताया गया है कि 638 बच्चों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए बुलाया गया है, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है जो क्वालिफाई हुआ है मेंस एग्जाम में, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रार जनरल, मतलब इन्होंने पंजाब हाईकोर्ट का कोई मैटर था जो पहुंचा होगा पहले, 2020 का मैटर है, उसका भी रेफरेंस दिया है और उसमें भी कमिटी बैठी थी और ऐसी ही चेकिंग हुई थी। इन्होंने बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ इस मैटर में क्या हुआ है, कि कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने ये बोला है कि इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हुआ है उसमें 0 से 15 नंबर मिले हैं काफ़ी बच्चों को, और इस कारण वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं इंटरव्यू के लिए, और बाकी पेपरों में उनके अच्छे नंबर हैं। देखा जाए तो बाकी पेपरों में बहुत बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं और कईयों के, मतलब जितनी उम्मीद थी सिविल पेपर लॉ पेपर में अच्छे नंबर और आएंगे उनके कम आए। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि राइटिंग अच्छी ना हो या कोई और ही बात हो, तो वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वो है बात। अब इसमें मतलब इंडिपेंडेंट कमिटी बनाने की बात कही गई है कि वो चेक करे दोबारा कॉपियाँ, रीचेकिंग की बात कही गई है। तो प्री के रिजल्ट की तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्री के रिजल्ट की इसमें कोई बात है नहीं, मेंस की कॉपी दोबारा चेक करने की बात कही गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर रिजल्ट भी दोबारा बनाना पड़ेगा, और फिर इंटरव्यू तो 16 तारीख से चालू है, इंटरव्यू 26 तक ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसमें लिस्टिंग की बात कह दी गई है कि लिस्टिंग जल्द से जल्द की जाएगी इस केस की, अगर लिस्टिंग 1-2 दिन में होती है, आज 14 तारीख हो गई, परसों से इंटरव्यू है, तो अगर एक भी बच्चे का इंटरव्यू हो जाता है 16 तारीख में, 16 तारीख तक लिस्टिंग नहीं हुई, 16 तारीख में जितने इंटरव्यू होते हैं फिर उनका क्या होगा, बहुत सारा मैटर आएगा इसमें बीच में। और हाई कोर्ट खुद अपना पक्ष रखेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान के जो भी हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, वो भी अपना, देखो एक साइड से जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यही सही है, जब दोनों साइड से सुनते हैं तब पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, जज का काम यही होता है। आप जब फाइल पढ़ोगे ना, केस फाइल पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप वकील हो, आपने एक पार्टी की केस फाइल पढ़ी, तो आपको लगेगा या तो ये सही है बिल्कुल, इसकी तो कोई गलती नहीं है। अब दूसरे पक्ष की जब आप फाइल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर स्टूडेंट को रिलीफ मिलती है तो उसमें मेरा भी बेनिफिट है, मेरी भी कॉपी रीचेक हो सकती है, तो मैं तो चाहूँगा कि बेनिफिट मिले, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बेनिफिट मिले, बट झूठी उम्मीद लगाना भी गलत है। तो मैं तो यही, मुझे जितना लगता है
बेनिफिट मिलने के चांसेस कम है। बाकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें बच्चों ने वकीलों की फीस दी है, उनको मैं उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। और मैं यही कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो रखे। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस बीच में चल रहा है कुछ हो जाएगा। आपको पता है प्री में भी बहुत रिट लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ नहीं आई थी अलग से, एक्स सर्विसमैन की अलग से कट ऑफ आई थी, और आरजीएस में रूल्स अमेंड हुए थे जब वैकेंसी नहीं आई थी, इसी कारण डिले हुई थी वैकेंसी थोड़े दिन। और उसमें फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया गया था, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था। फिजिकल हैंडीकैप की अलग से कट ऑफ आई थी कुछ दिन बाद, एक्स सर्विसमैन वालों की अलग से कट ऑफ आई थी, बट फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ नहीं आई थी, वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई थी सारी। और राजस्थान हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, क्वेश्चन के ऊपर थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट में मैंने अभी तक देखा नहीं, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। तो कुछ होगा मैं आपको दे दूंगा अपडेट। अभी तो रिट फाइल हुई है, अब इस पे अभी देखो, तो राजस्थान में तो छुट्टी है आज। राजस्थान में ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे सिटिंग, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, तो राजस्थान में तो आज छुट्टी, सारे कोर्टों में छुट्टी है। कल भी कुछ होगा तो राजस्थान परसों से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। प्रमोशन की लिस्ट आ गई है, आपको पता हो मैंने बता दिया, ACJM प्रमोट हुए हैं, JM काफ़ी कोर्ट वैकेंट हो गई हैं, और अभी JJ वाली लिस्ट भी आएगी जो जुवेनाइल कोर्ट में लगते हैं ना, वो भी ACJM रैंक के रखते हैं जितना मुझे पता है। तो अब ये गवर्नमेंट के थ्रू जाता है सारा, ग्राम न्यायालय JJ हो गया, ये गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं, गवर्नमेंट से लिस्ट आती है, सारी चीज़ें होती है। तो काफ़ी कोर्ट वैकेंट हो गई है, इसमें जो होगा वो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जैसे मैंने ये अपडेट दे दी सुप्रीम कोर्ट में। अभी रिट लगी है, उसमें लिस्टिंग की है, जल्द से जल्द लिस्टिंग हो जाएगी, मैं बता दूंगा, कुछ होगा तो ऑर्डर आएगा तो वो भी बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। अगर एंड तक वीडियो देखा है तो फ़ायदा आपका ही है कि RJS की बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया जल्दी, और ये होगा, मुझे तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई मतलब स्टे नहीं लगाया, रिवॉल्यूशन की बात नहीं आई, और मतलब सॉरी रीचेकिंग की बात नहीं आई, तो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो यही कहूँगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, APO पे फोकस करें, APO का एग्ज़ाम है अभी राजस्थान में 181 वैकेंसी का, और पुराने लॉ से ही पेपर हो रहा है APO का, जो पुराने क्रिमिनल लॉज है उस पे ही पेपर हो रहा है। RJS में नए क्रिमिनल लॉज आएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नए क्रिमिनल जो फ्यूचर RJS की तैयारी कर रहे हैं वो नए क्रिमिनल लॉ से तैयारी करें, जो UP में भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो नए क्रिमिनल लॉ पे करें। हिमाचल प्रदेश में भी वैकेंसी आएगी, छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसी आएगी, गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंटों ने अप्रूव कर दिया है। UP में प्रोसेस में है वैकेंसी, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बट UP में पेपर वेपर लीक हुए हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन और चीज़ों में हो गए एक्टिव, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।